गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मनोज कुमार गंगवार, ब्रह्मदत्त सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर। स्टूडेंट, क्लास सिक्स में हमने चैप्टर सेवन का 2 वीडियो अपलोड किए थे और आज हम 3rd वीडियो अपलोड कर रहे हैं। द नेम ऑफ चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी पौधों के बारे में जाने, इसलिए इसको बहुत डीपली से आपको अंडरस्टूड होना है और इसको समझना भी है। नाउ लेट अस स्टार्ट। पुट द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। हीट द बीकर टिल एट ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीव कम्स आउट इन टू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। पुट द टेस्ट ट्यूब, इन्होंने कहा कि पुट माने रखना, कि टेस्ट ट्यूब इन द बीकर, यानी आधा जो वाटर है, यानी हाफ वाटर पानी है जो वो उसमें बीकर में आप पुट करिए रखिए। एंड हीट द बीकर, और बीकर को आप हीट करेंगे टिल ऑल द ग्रीन कलर, जब टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीव कम आउट, जब तक ये जो लीफ है यानी जो पत्ती है उसकी, जब तक वो ग्री तब तक गर्म करेंगे जब तक उसका जो पत्ती का ग्रीन कलर है वो निकल ना जाए, ये इन्होंने यहाँ पर बात रखी है। कम्स आउट इन टू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। टेक आउट द लीफ केयरफुल, उसके बाद जब ये कलर ग्रीन कलर निकल जाएगा उसके बाद क्या करना है, टेक आउट लीफ को सावधानीपूर्वक निकालिए एंड वॉश इन द वाटर, उसके बाद पानी से इसे धो लीजिए। पुट इट ऑन ए प्लेट एंड पुट सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसको प्लेट में रख लीजिए और जो आयोडीन है पोर माने उड़ेलना, सम आयोडीन इस पे सम आयोडीन इसमें क्या करना है, इस सॉल्यूशन को इसमें रखना है। क्या मतलब है कि पहले उसमें जो आपने लीप निकाली प्लेट में रखी और प्लेट में रखने के बाद उसमें जो सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन उस पर क्या किया, पोर किया, उड़ेल दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन का निरीक्षण किए विद दोज डन इन ए चैप्टर टू में भी आपने किया था। है व्हेन यू टेस्ट फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, जब आपने भोजन के बारे में और भिन्न भिन्न प्रकार के पोषण के बारे में आपने टेस्ट किया था, डज दिस मीन दैट द लीफ हैज स्टार्च इन इट, तो आपने क्या आपने देखा कि जो लीफ में क्या होता है, स्टार्च होता है। इन चैप्टर टू वी शो दैट इन स्लाइस ऑफ रो पोटैटो आल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। चैप्टर टू में वी शो, हमने देखा या देखते हैं कि द स्लाइस ऑफ द रॉ पोटैटो में जो स्लाइस है वो आल्सो सो माने दिखाता है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी आलू में क्या होता है, एक मंड होता है, उसे बोलते हैं स्टार्च होता है, वो हमने कैसे प्रैक्टिकल किया था। पोटैटोज गेट द स्टार्च फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। पोटैटो में गेट माने मिलता है द स्टार्च मिलता है फ्रॉम द अदर पार्ट्स, दूसरे पार्ट से भी मिलता है, फ्रॉम द प्लांट एंड स्टोर इट, दूसरे पौधों से मिलता है और इसमें ये क्या होता है, कलेक्ट करता है। हाउएवर फिर भी लीव प्रिपेयर्ड देयर फूड, फिर भी अपने जो भोजन है पत्तियाँ भोजन अपने आप कलेक्ट करती हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सूर्य की उपस्थिति में, एंड ग्रीन कलर्ड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन दैम, एंड ग्रीन कलर्ड यानी जो हरा रंग है, सब्सटेंसेस माने पदार्थ है प्रेजेंस इन दैम, जो ग्रीन लीव्स जो है वो क्या बनाती हैं, शेल फूड बनाती है काय की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड ग्रीन कलर जो हरा रंग है जो पदार्थ है वो इसमें होता है, इसीलिए फॉर दिस इसके लिए दे यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, इसलिए इन पर क्या किया जाता है, ये पानी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से फाइंड होता है, ये यूज करते हैं एयर से, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं स्टूडेंट। इट मींस फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है स्टूडेंट। और इससे जो रिलाइज होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस हम कहते हैं ऑक्सीजन इज गिवन आउट दिस प्रोसेस। देखो यहाँ पर दे रखा है कि ऑक्सीजन इज गिवन आउट दिस प्रोसेस, इट मीन ऑक्सीजन रिलाइज ऑफ दिस प्रोसेस। यहाँ से ऑक्सीजन निकलती है। द फूड प्रिपेयर्ड ऑफ लीव बाई लीव, इसलिए क्या होता है कि पत्तियों के द्वारा जो भोजन प्रिपेयर किया जाता है अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन ए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो इसमें लीव्स के द्वारा जो फूड को कलेक्ट किया जाता है देन अल्टीमेटली यानी गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के रूप में कलेक्ट हो जाता है वो फूड। ये कहने का मतलब है, यानी देखिए व्हाट इज द वर्क ऑफ लीव, तो लीव का क्या वर्क है, यानी कलेक्ट द फूड ऑफ दैट प्लांट। उस प्लांट की जो लीव है वो फूड को कलेक्ट करते हैं, और ये जो फूड है वो क्या होता है, इट इज स्टोर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में कलेक्ट हो जाता है। पत्तियाँ क्या करती हैं, भोजन को बनाती हैं और उस भोजन को निर्माण करती हैं, और जो प्लांट्स होता है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पार्ट्स में उसको वो हो जाता है, भोजन बना लेता है। कैसे बनाता है कि हाउ डू वी नो, कैसे हम जानते हैं कि द लीफ हैज द प्रिपेयर्ड, कि जो पत्तियाँ हैं लीव्स हैं प्रिपेयर करती हैं स्टार्च के लिए एंड नॉट रिसीव्ड इट, और इसको रिसीव नहीं करती हैं फ्रॉम द एंथर पार्ट ऑफ द प्लांट, और जो प्लांट का पार्ट है वो एंथर को रिसीव्ड नहीं करती हैं। ये कैसे हम जानते हैं कि डू टेस्ट दिस, लाओ हम इसे टेस्ट करके देखते हैं। द एबव एक्टिविटी कैन बी रिलेटेड विद द लिटिल डिफरेंस, ये जो एक्टिविटी है ऊपर दी गई एक्टिविटी है कैन बी रिलेटेड माने संबंधित है विद ए लिटिल डिफरेंस, छोटा सा इसमें डिफरेंस है। प्लेस ए पॉटेड प्लांट, इन्होंने कहा है कि एक प्लेस माने स्थान पर पॉटेड प्लांट को लिया विद द ग्रीन लीफ, पत्तियों कैसी थी, हरी थी। इन ए डार्क रूम फॉर ए डे, इन्होंने एक दिन में क्या रखा, एक डार्क रूम में रखा है, एंड टू नाव एक या दो दिन। नाव कवर ए पोर्शन ऑफ ए लीफ ऑफ द प्लांट कम्प्लीटली विद द ब्लैक पेपर, और इन्होंने क्या काम किया कि जो कवर पोर्शन ऑफ द लीफ, इनका पत्तियों का जो पोर्शन है उसे बिल्कुल कवर कर लिया प्लांट के लिए, पूर्णतया कवर कर लिया विद द ब्लैक पेपर से, एंड लीव द प्लांट इन द सन फॉर ए डे। कवर करने के बाद इस प्लांट इसको एक दिन के लिए हमने क्या में रख दिया, सन में रख दिया। रिमूव द लीव कवर्ड इन ब्लैक पेपर एंड रिपीट द टेस्ट फॉर स्टार। फिर उन्होंने क्या किया, रिमूव द लीव, पत्तियों को दूर कर दीजिए कवर्ड विद ब्लैक पेपर जो आपने ब्लैक पेपर पे लगाया था, एंड रिपीट द टेस्ट फॉर स्टार। इसके लिए फिर से आप प्रैक्टिकल करिए। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द लीव शोज, ऐसा कौन सा पार्ट है पत्तियों का विच जो दिखाता है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी जो स्टार्च की उपस्थिति हमें दिखाता है। डज दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट लीव प्रोड्यूस स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसका मतलब क्या है कि अंडरस्टैंड माने हमें समझना चाहिए कि पत्तियां जो प्रोड्यूस उत्पन्न करती हैं स्टार्च के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य की उपस्थिति में ही क्या करती हैं, हमें उन सनलाइट की उपस्थिति में स्टार्च को कलेक्ट करती हैं। बी सी हम देखते हैं कि द स्टेम सप्लाईज लीव ऑफ वाटर, हमने देखा कि जो स्टेम्स होते हैं वो वाटर को सप्लाई करते हैं पत्तियों में विद द वाटर, सप्लाई लीव विद वाटर, द लीव यूजेस द वाटर टू मेक फूड, और इस प्रकार की जो पत्तियां हैं वो क्या करती हैं, यूज करती हैं द वाटर को एंड टू मेक, और क्या बनाती हैं, भोजन बनाती हैं। द लीव आल्सो लूज वाटर थ्रू द ट्रांसपीरेशन, और जो पत्तियां हैं वो ज़्यादातर आल्सो लूज माने होती हैं वाटर के लिए एंड ट्रांसपीरेशन। हाउ डू द स्टेम्स एंड लीव्स गेट द वाटर, ये कैसे हमारे जो स्टेम्स हैं एंड लीव्स हैं वो पानी को कैसे ये एब्जॉर्ब करते हैं, अर्थात ये गेट करते हैं। व्हाट इज वेयर द रूट्स कम इन, और ये जो कहाँ से आता है, ये
अब देखो रूट्स के बारे में इन्होंने फाइंड किया, इनको कैसे लर्न किया कि लुक एट द फिगर 7.13, हु डू यू थिंक इन वाटरिंग एंड प्लांट करेक्टली, पहली बूजो एंड भाई, पहली एंड बूजो भाई ने इस तरीका से यहाँ पर एक गिवन दे रखा है। नेक्स्ट है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल, ऐसा कौन से पौधे हैं जो मिट्टी के इन द मिट्टी में है, एंड लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज, आओ हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं और एंड नो अबाउट इट, और इसके बारे में जाने। एक्टिविटी 6 है, यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स, आप कोई दो बर्तन ले लीजिए, सम सॉइल कोई मिट्टी लीजिए, खुरपी लीजिए, ब्लेड आर ए पेयर ऑफ सीजर कोई कैंची वगैरह ले लीजिए, एंड वाटर लीजिए। यानी दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन ग्रुप, और ये जो एक्टिविटी है वो 4 या 5 स्टूडेंट्स में ग्रुप में ये कंपेयर की जाती है, अर्थात इसको एक्टिविटी कर सकते हैं। सेलेक्ट 2 वीड्स ऑफ सम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग दैम आउट, इन्होंने कहा है कि कोई भी 2 वीड्स को आप कलेक्ट करिए, सेलेक्ट करिए, एंड सेम काइंड एक ही प्रकार के ऑन ओपन ग्राउंड, और कहीं ओपन ग्राउंड से खुले मैदान में से देख लीजिए और उनको खोद लीजिए। टेक केयर द, उसके बाद टेक केयर देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, आपको ये भी ध्यान देना है कि इनकी रूट कैसे ब्रेक ना हो। प्लांट वन ऑफ वीड्स इन द सॉइल इन पॉट, ये प्लांट दे रखा है एक, उसको उन्होंने एक उस प्लांट के लिए इन्होंने एक गमले में इसे पॉट में लगा दिया। एंड अनदर प्लांट ऑफ द वीड्स इज पॉटेड इन द अदर प्लांट। नेक्स्ट, एक प्लांट इन वीड्स इन द सॉइल इन पॉट ए एंड कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर वीड्स, और दूसरे जो जो रूट्स हैं वो फ्रॉम द अदर वीड्स की प्लांट इन द सॉइल बी में रख दिया। एंड वाटर देम रेगुलरली, एंड वाटर पानी दिया उन्हें लगातार। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर ए वीक, एक 1 हफ्ते बाद इन्होंने देखा आर द प्लांट्स हेल्दी, कि ये पौधे कैसे होंगे, हेल्दी होंगे। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली, उन दोनों पौधों के लिए आपने रेगुलरली वाटर दिया, एंड वन इज विदाउट रूट्स, इनमें वन इज विदाउट रूट्स, इनमें क्या है कि बट वन इज विदाउट रूट्स, इनमें जड़ें, एक में जड़ नहीं है, एक में जड़ नहीं थी। इन्होंने क्या किया, एक में तो गमले में जड़ सहित लगा दिया और एक में इसकी जड़ को कट कर दिया, एक में जड़ नहीं थी। इज नॉट डज द एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड इन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट्स, देखा होगा कि ये धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, मुरझा जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, द रूट्स इज ए मेन फंक्शन ऑफ द प्लांट्स, ये सब भी प्रैक्टिकल के रूप में गिवन है। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर गिवन है कि एक्टिविटी 7 में बी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्रैम एंड मेज, अब इन्होंने एक एक्टिविटी और यूज करी, इन्होंने क्या किया कि इसमें जो ग्रैम्स का जो बीज है और मक्के का जिसे बोलते हैं, इन्हें टेक किया, चना मक्का कॉटन बूल लिया, एंड कटोरी एंड सम वाटर कुछ लिया इन्होंने, और ये नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये एक्टिविटी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच स्टूडेंट, यू शुड हैव टू वर्क इन योर होम, ये एक्टिविटी से अपने घर पे कर सकते हैं, घर पे प्रैक्टिकल करके देखें स्टूडेंट, तभी आपको इंजॉय आएंगे। तो इसमें कह रहे हैं टेक 2 कटोरी, 2 कटोरी ली, प्लेस सम वेट कॉटन बूल इन देम, और उसमें भीगी हुई जो बूल उसमें रख दिया, एंड पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन, तो आपने देखा कि 3 या 4 जो बीज हैं चने के इन वन एक में रखे, एंड मेज इन द अदर, और जो मक्के के वो दूसरी कटोरी में रखे। कीप द कॉटन वेट बाई स्प्रिंकलिंग वाटर विद डे, और इन्होंने कहा कि स्प्रिंकलिंग जो वाटर है उसमें हल्का हल्का थोड़ा भिगोते रहें। अनटिल द स्पॉट हैव द ग्रोन इन टू द यंग प्लांट, ये जब तक करना है जब तक उसमें से कोई प्लांट उग नहीं आता है, अर्थात ये अंकुरित नहीं हो जाता है। आफ्टर ए वीक, 1 हफ्ते बाद ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम द कॉटन बूल, आपने देखा होगा कि 1 हफ्ते बाद ये जो अंकुरित बीज जिसे बोलते हैं वो उगाएंगे,
एंड वाज इट इजी टू सेपरेट द कॉटन बूल फ्रॉम द रूट। और ये उसके बाद उस बूल के लिए आप सेपरेट हटा दीजिए। हटाने के बाद द एक्टिविटी सिक्स में वी कुड नॉट इजी टू पुल आउट एंड प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल राइट बी डग देम आउट। तो उनको खोलना है कि द रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द पार्ट फर्मली इन द सॉइल। और यहाँ पर जो रूट्स होती हैं वो सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं, होल्डिंग माने पकड़ लेती हैं क्या के लिए, प्लांट के लिए, फर्मली यानी इन द सॉइल। इन्होंने कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से इन्होंने जो कॉटन को अपने आप जकड़ लिया, उसी प्रकार से ये जो इसकी जो रूट्स हैं यानी जो सीड्स ऑफ द ग्राम्स आर मेज है, इनको इन्हें कलेक्ट कर लेती हैं, जकड़ लेती हैं। जैसे किसको जकड़ लिया, रुई के लिए, ठीक इसी प्रकार से सॉइल को जकड़ लेती हैं। ये उन्होंने यहाँ पर ये बात रखी है। बी डग देम आउट, भी हमने खोदा देम उनके लिए बाहर, एंड द रूट हेल्प इन द होल्डिंग द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। दे आर सेट टू एंकर, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे एंकर बोलते हैं। द हेल्प द प्लांट टू सॉइल, यानी जो प्लांट्स है उसकी जो मिट्टी है उसके लिए ये क्या करती है, ये सपोर्ट करती है, जकड़े रहती है। यू हैव सीन दैट देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स ऑफ लीफ, आपने ये देखा होगा कि भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होते हैं, स्टेम्स होते हैं एंड लीव्स होते हैं। डू द रूट्स आल्सो, और इसी प्रकार से क्या आपने देखा कि जो रूट्स भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। लेट अस फाइंड आउट, अब एक्टिविटी इन्होंने सिक्स दे रखी है, एट दे रखी है। एक्टिविटी एट में इन्होंने क्या गिवन है स्टूडेंट, स्टेट 7.16 में है, ए एंड बी केयरफुली, ये इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। क्या दे रखा है, नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट्स यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन बूल। डू दे लुक लाइक द रूट शोन इन फिगर, इतने दो जिंदा फिगर इतने। अब इन्होंने क्या काम किया, 7.2 में एक सीड्स ऑफ द मेज एंड सीड्स ऑफ द ग्राम्स दो दे रखी हैं, रूट्स ऑफ ए एंड बी। यानी हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ द मेज प्लांट, हाउ अबाउट द रूट्स यानी जड़ों को कैसे आप इसकी मक्के की जो जड़ है उसके बारे में कैसे आप पौधों के बारे में जानेंगे, एंड राइट ग्राम आर मेज और कैसे इसके बारे में लिखेंगे इन द ब्लैंक स्पीसीज इन द फिगर आफ्टर द मैचिंग द रूट विद द फिगर। इन्होंने जो फिगर जो दे रखा है उसके बारे में आप कैसे जानेंगे कि मेज ये मेज की है, मक्के की जो बीज है या जड़ है या चने की है, ये इन्होंने यहाँ पर मैचिंग करवा रहे हैं, कैसे आप इसको नो करेंगे जानेंगे। इन्होंने एक ही बात दे रखी है स्टूडेंट, देखो एक्टिविटी इसलिए कराई जाती है करने के लिए, एक्टिविटी का मतलब होता है आपको करना भी है और समझना भी है। अब एक्टिविटी का मतलब ये है कि आप जैसे ये बुक में दे रखा है आप इसको घर पे भी कर सकते हैं स्टूडेंट, यानी दिस एक्टिविटी डू इन योर होम, अपने घर पे कर सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी एंड इट इज़ वेरी सिंपल, और एंड आई होप यू टेक इंटरेस्ट डीपली, आपको इन्जॉय कर आनंद आएंगे इसको करने में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये इन्होंने ये बात यहाँ पर गिवन है कि एक्टिविटी जो एट है इन्होंने क्या काम किया, जो चने एक चना लिया और एक मक्के के बीज लिए, इन दोनों के इन्होंने क्या ले लिए, बीज ले लिए, और उनको इन्होंने केयरफुली रूप से क्या किया, इसे इनको जड़ के रूप में इसे अंकुरित कर दिया। हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ द मेज प्लांट, तो इन्होंने कहा कि मक्के के बारे में, मक्के की जड़ के बारे में आप कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, राइट ग्राम आर मेज इन द ब्लैंक स्पेसेस, इसके बारे में कैसे जानेंगे, इन फिगर पिक्चर के द्वारा आफ्टर मैचिंग द रूट्स, और इनकी जड़ों को कैसे मैचिंग करेंगे विद द फिगर पिक्चर के द्वारा, इसकी मैच की जड़ों में कैसे इसको समझेंगे। आपने देखा होगा कि ये जो रूट्स है इसकी जो जड़ है क्या कि इसकी मैच की एंड इन दोनों में देखो डिफरेंट है। इन व्हाट वे दे आर रूट्स इन ग्राम,
अब स्टूडेंट्स इसमें देखो इन्होंने क्या गिवन है, इन द व्हाट वे आर द रूट्स इन द ग्राम एंड मेज सिमिलरली, इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट, देयर सीम्स टू बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रूट्स, इन व्हाट वे, इस प्रकार से क्या होता है कि जो रूट्स हैं चने की रूट्स हैं और मक्का की जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, सिमिलर है। इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट, और भिन्न किस प्रकार से हैं, दीज सीम टू बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रूट, इन्होंने कहा है कि आपको दो प्रकार से भिन्न दिखती है क्या नहीं, और इन्होंने कहा इज नॉट इट, क्या नहीं दिखती है, आर देयर आर अदर टाइप्स ऑफ द रूट, लेट अस फाइंड आउट, चलो इसको देखते हैं। एक्टिविटी इन्होंने नाइन स्टार्ट कर दो स्टूडेंट। अब नाइन एक्टिविटी में इन्होंने कहा है कि गो एन ओपन ग्राउंड, चलो खुले मैदान में चलते हैं, वेयर एनी वीड्स आर ग्रोइंग, जहाँ पर क्या खरपतवार उग रहे हो, डिग आउट ए फ्यू वीड्स, चलो कहीं से एक वीड्स को हमने क्या किया, डिग आउट यानी खोद लिया, वाज द सॉइल ऑफ, और उसके पास उससे क्या किया हमने, इसको बहुत धो लिया, द क्या कि रूट्स के लिए धो लिया, एंड ऑब्जर्व देम, उनके बारे में ऑब्जर्व करते हैं। डू यू फाइंड, आपने क्या देखा कि दैट द ऑल वीड्स दैट यू हैव डग, जो आपने वीड्स को आपने खोदा एंड यू हैव डग आउट, इनको बाहर निकाला, हैव द आदर काइंड्स ऑफ द रूट्स, इसके बारे में जड़ों के बारे में जो पिक्चर में दे रखी है, यानी 7.17 में, यानी ए जो पिक्चर है वो क्या है, टैप रूट्स कहलाती है, एंड अनादर जो पिक्चर है वी इन फिगर वी, उसे कहते हैं फाइबर रूट, फाइबर रूट्स बोल रूट्स बोलते हैं स्टूडेंट। तो ये यहाँ पर स्टूडेंट ये गिवन है, इसको हमें नो करना है, समझना है, देखो एग्जाम्पल से तुरंत हमें समझ में आ जाती है कि व्हाट इज द टैप रूट एंड व्हाट इज द फाइबर्स रूट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टैप रूट एंड फाइबर्स रूट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यानी टैप रूट्स होता है वो एक ही जड़ से निकलती है, बट फाइबर्स रूट में देर आर मेनी डिफरेंट रूट, देर आर नो मेन रूट्स इन द देर आर नो नो बडी मेन रूट्स इन द रूट्स, इसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती है, ये इस प्रकार से रेशे के द्वारा सब फैली रहती है, उन्हें बोलते हैं फाइबर्स रूट, और जिसमें एक ही जड़ होती है, मेन रूट्स होती है, उसे ऐसे सीड्स को क्या बोलते हैं, टैप रूट्स बोलते हैं स्टूडेंट। फार रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन फिगर 7.17 ए में दे रखा है कि मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट, इसकी जो मेन रूट्स होती है दैट इज ए कॉल्ड टैप रूट्स बोलते हैं उसे, द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट, और इसके पास में जो छोटी छोटी जो हैं यानी मेन रूट से जो निकली हुई हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं लेटरल रूट्स बोलते हैं, प्लांट विद रूट्स एज फिगर, और इस प्रकार से जो अदर जो प्लांट्स हैं वो 7.17b में दे रखा है कि डू नॉट हैव द एनी मेन रूट, यानी जो फाइबर्स रूट में इसमें आपको मेन रूट्स कोई नहीं दिख रही है ना, यानी मेन रूट्स इसमें है ही नहीं, दिस कोई नहीं है इसमें मेन रूट, वो चीज़ यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। आर रूट्स सेम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइबर्स रूट, इसी प्रकार से आर रूट जितनी भी जो रूट्स हैं हमें सेम सिमिलर हमें दिखाई देती है, एंड दीज आर कॉल्ड फाइबर्स रूट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, रेशेदार जड़े बोलते हैं, अर्थात फाइबर्स रूट्स इनको बोलते हैं। सेपरेट द बीड्स, और इस बीड को आप सेपरेट करिए, यू कैन कलेक्ट इन टू द टू ग्रुप्स, और इस दो ग्रुप में इनको डिवाइड कर दीजिए, इन ए ग्रुप ए एंड पुट दोज दैट हैव टैप रूट्स, उसमें एक रूट में टैप रूट्स को, एंड अदर ग्रुप बी है उसमें कौन सा फाइबर रूट्स में, लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट इन ग्रुप ए एंड काइंड्स ऑफ द वेनेसेंट डू दे हैव, वाट काइंड ऑफ वेनेसेंट डू यू सी फॉर प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी, इन्होंने कहा है कि अब इन्होंने यानी आपको कलेक्ट करना है, आपको देखना है, आपको कलेक्ट करना है, आपको लर्न करना है, देखना है कि वाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टैप रूट एंड फाइबर रूट, इनको डिवाइड इंटू टू ग्रुप में इनको डिवाइड करिए, ये चीज़ यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, अब टू ग्रुप में इन्होंने डिवाइड करना है।
अब डिवाइड करने के बाद आप प्रैक्टिकल करिए, बहुत सारे बीट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं उनके रूट्स के बारे में, आप अंडरस्टूड करिए, समझिए, जानिए, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। सही है। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहे हैं कि डू यू नोटिस कि आपने देखा या आपने नोटिस किया दैट लीव वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स इन द प्लांट आर रिलेटेड इन द वेरी इंटरेस्टिंग वे। क्या आपने देखा क्या या नोटिस किया वेनेशन के लिए, वेनेशन के बारे में, एंड टाइप ऑफ द रूट यानी जड़ों के डिफरेंट टाइप ऑफ द रूट्स और इन्हें प्लांट के बारे में आर रिलेटेड इन ए वेरी इंटरेस्टिंग वे। और एक प्रकार से आपने देखा प्लांट्स के बारे में, लीव्स के बारे में, इनके रूट्स के बारे में, ये कितने हैं, ये सब डिफरेंट हैं। और ये जो डिफरेंट हैं इनमें आपको एक इंटरेस्ट आया था, इनके बारे में आपने डिफरेंट भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ें होती हैं, डिफरेंट टाइप की जड़ें होती हैं। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स लिव इन विलेजेस, अपने गांव में रहते हैं, वहाँ से बहुत सारे देयर आर मेनी बीड्स टू ग्रो हेयर एंड देयर। आप कहीं से भी बीड्स को उखेड़ सकते हैं और उनके बारे में उनको बढ़िया वाश करिए, वाश करने के बाद उनको धोने के बाद आपको तुरंत देख सकते हैं इसकी रूट्स कैसी हैं, इसकी कैसी है, ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने गिवन है। डू यू नोटिस, इन्होंने कहा कि इन द वेरी इंटरेस्टिंग वे 7.2 कैन यू मैच इन द टाइप ऑफ द लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ द रूट्स इन सम प्लांट यू हैव स्टडीड इन ऑल द एक्टिविटीज सो फार। जड़ों के बारे में, पत्तियों के बारे में हमने बहुत सारी नॉलेज कलेक्ट की, जाना और इनको समझा। नेक्स्ट यहाँ पर टेबल में इन्होंने गिवन है कि नेम ऑफ द प्लांट, प्लांट्स के आपको नाम लिखना है कि एंड टाइप ऑफ द लीफ वेनेशन और उस पत्तियों के बारे में लिखना है, एंड टाइप ऑफ द रूट्स और रूट्स के बारे में लिखना है, ये किस टाइप की रूट्स हैं उसके बारे में आपको समझना है और लिखना भी है। अब देखो एक बात ये है, जैसे मान लीजिए अब ये कहाँ से आया, ये ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट, ये सब क्या है, ऑब्जर्वेशन। अब ये ऑब्जर्वेशन तो आपको ही करना है, प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हैं आप, बहुत सारे देयर आर मेनी आप बीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं, इस प्लांट्स को ले सकते हैं और उसके बारे में बहुत सारे उसमें उनकी जड़ों के बारे में, उनकी पत्तियों के बारे में बाट और उसके बारे में आप समझ सकते हैं और यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। वी हैव लर्नट अबाउट द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्राम द सॉइल एंड द स्टेम कंडक्ट दीज ऑफ लीव्स। इन्होंने कहा है कि वी हैव लर्नट, हमने पढ़ा था कि दैट रूट्स जो है वो क्या एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं फ्राम द सॉइल, मिट्टी से, एंड स्टेम कंडक्ट्स, और जो स्टेम कंडक्ट्स हैं दीज ऑफ लीव्स, इन कहाँ तक पहुँचाते हैं यानी पत्तियों तक पहुँचाते हैं, यानी लीव वहाँ तक पहुँचाते हैं द अदर प्लांट ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी उसमें देखो जो रूट्स हैं वो वाट सॉइल से क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, और ये क्या पहुँचाते हैं, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पूरे पार्ट्स के लिए पहुँचाते हैं। द लीव प्रिपेयर फूड, जो पत्तियाँ हैं वो क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम्स, और ये जो भोजन है वो कहाँ के द्वारा पहुँचते हैं, स्टेम्स के द्वारा, एंड इज स्टोर्ड इन ए डिफरेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट। और ये जो स्टोर्ड है अर्थात ये जो फूड है वो स्टोर किया जाता है इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, भिन्न भिन्न जगह स्टोर कर लिया जाता है प्लांट के। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट, जिस प्रकार से क्या होता है कि हम कुछ जड़ों को खाते हैं लाइक ए कैरेट, वी ईट सम ऑफ दीज, जिनमें से हम कुछ खाते हैं एज ए रूट्स, जैसे कोई जड़ ले लें, उस जड़ का नाम इन्होंने कहा है लाइक ए कैरेट, कैरेट है, रेडिस है, स्वीट पोटैटो है, एंड टर्निप है, एंड क्या है तपीकी हुए, ये सभी क्या है, रूट्स हैं स्टूडेंट। कैरेट माने, कैरेट आप जानते हैं क्या होती है, गाजर है, मूली है, एंड स्वीट पोटैटो है, एंड टर्निप है, ये सभी क्या है, रूट्स हैं। वी आल्सो ईट मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और इसी प्रकार से वी आल्सो ईट मेनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, बहुत सारे प्लांट के अदर पार्ट को भी हम टेक करते हैं, खाते हैं।
वेयर द फूड इज स्टोर्ड, जहाँ भोजन को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। डू यू एग्री, क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? मेरी बात से आप सहमत हैं? आज इसी को एंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट।